बिना लगाए भी दुख अपने भी लत्ते बुढ़े गए भी लत्ते खुद तो धोने पड़े वो यो तो धो फोटो आए मैं देख के जी राजी करेगा मेरा बेटा अगर लत्ते धो ले थोड़े स्वाद से ले लूँ इसके। बब्बू क्या रे अखबार में क्यों नहीं बता दे पढ़ के क्या रे अखबार में लेगा जो ये स्वाद ले गया एक ट्राई फिर मारूं। बब्बू देख पाछे ने बोतल भी छपरी है पीवेगा के मैं तो बोतल ने देख के ठेके बजा के बोतल ले भी आऊंगा तन्ना तो मैं जमानू जो फोटो ने देख के भूल आके दिखावे बुड्ढा दा फुल फॉर्म मैं तो अपने लत्ते ही धो लूं। अरे बेटा मनीष ठीक से तू अरे आज क्यों कर चिट्ठी बटन जागी डाला रहे हो रे भाई राम राम भाई राम राम तेरे इंतन ने गिरते में घर ते लिगड़ा था अरे मेरी ये दिमाग लग रहा है तना दवा बन्नो लेके गई थी। अरे बेटा मनीष साफ पानी ना कि मैं राम राम ना कि मैं तो इज्जत को ना कत्ती है भूल गया के राम राम तने याद रखी है तने मेरा के करया घर छोरे एक गिलास पानी ला दे तेरे चाचा दे और रोटी भर ला दे। हाँ भाई तू बता तू क्यों कराया भाई अड़े मैं तो भाई अड़े कुछ दिन रुकन आया सुन अड़ा हम ठाण में पड़े था तने कित रखाएंगे और बाबू तीन तीन आई टिकल में मैं नहीं पाथुआ कती भी। अरे तू रुक जा बिलाई से मुंह के मैं तो भाई न्यू आ गया था कई दिन हो गए गांव में आंडा और भाई से मिल लाऊं करो जलेबी से सीधे साफ साफ बता इतना सीधा नास है तू भाई देश में कोरोना की बीमारी आ गई और चीन तो इसकी शुरुआत हुई थी भाई। ओ बब्बू मैं इसने ना आड़ा नहीं रहने दूंगा ऐसा तो तू है ना जो कर रहा था वो लगड़ जा जो चीन की बीमारी ले गए मारा लगावन आया से मारेगा हमने। अरे तू डट जा पावर हाउस ना बाबू यो हमने मारना आया से अरे वो तेथन के इंजन थम जा ना तेरी मेथी से पीस दूंगा। आ भाई जो कोरोना के काम करा ना छोटा से जो कितो बढ़ जा से ना भाई या तो एक वायरस तो फैलने वाली बीमारी से इस तो कई ज्यादा भी मर लिए। अच्छा जय तो तू बढ़कर ना लिया या सिर्फ आदमी आदमी ही पटे लगैया बना करती भाई क्यों स्वाद ले रहा है या इसी बीमारी किससे ना छोड़ती बड़ा कान तो नट के और उनकी माँ के लड़के मम्मा का छोड़ा बड़का ने मैं। हाँ भाई वाह क्यों हो गया डे वाह तड़े की बटे उसे वाह क्यों हो गया डे भाई ने की बोला क्यों जत्ता वाड़ आती को ना भाई अड़ कुछ दिन में रुक जाऊंगे बाबू यो हमने बीमार करके जागा और मैं ना कती बताऊं बाहर नहीं सोऊंगा मैं बाहर तो मैं शरीर डाल खून पी जाए जन बसर तो बत्ती खून की कमी इस प्रजाति में ओ फटफटिया से मुंह ओले तू चुप पड़े रहो दो मिनट। हाँ भाई तू नहीं बता तेरा सिलेंसर क्यों छिड़ा पड़ा से भाई शहर में डर लग रहा था गांव की हवा फिर भी ठीक से बड़का की छुट्टी भी कर रखी है सरकार ने कोरोना के डरता है। अरे पढ़े लिखे गवार इतना तो हम भी जाना से रोज टीम में यह बीमारी दिखावा से यार इसकी गला रोकथाम भी बतावा है न्यू तो मन नहीं बेरा से भाई इस बीमारी का इलाज तो कौन है न मैं भी तो कहूँ सू या ला इलाज वाली बीमारी से लोग के पंखे ही पाड़ रखे से जब बद तो अरे ये डोल बाजे आ गया जो तो डोल बाजे पास कुत्ता कौन ढूंढा करा है न्यू कर बेइज्जती करा है मेरा भी तो कमा को होगा। और भाई देख इसका इलाज ना ताड़ से ना शहर में फिर भाई इसका इलाज तो इसका उपाय ही है भाई हालांकि वो तो कुछ देशों ने इसकी दवाई बनाने का दावा किया है भाई ये तो मजाक था लेकिन अपने आसपास सफाई रखे अपने घर ऑफिस में सैनिटाइजर व मास्क का प्रयोग करे हर 10-15 मिनट में सैनिटाइजर से अपने हाथ धोए और बात करते हुए 1 मीटर का कम से कम फैसला बनाए रखे और हाँ दोस्तों इधर उधर की अफवाहों पर से बचे और यही समय सही समय है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का सोशल मीडिया से जुड़े रहें और जो भी आपको सही और सत्य खबर लगे वह अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और झूठी अफवाहों से बचें। और दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने एक इनिशिएटिव लिया है जनता कर्फ्यू का वो जनता कर्फ्यू का सहयोग करें और घर से ना निकले क्योंकि ये जनता कर्फ्यू की वजह से ये जो बीमारी है ये फैलने से रुकेगी। और दोस्तों मैं यही कहूँगा ये एक दिन का कर्फ्यू नहीं है इसको हमने 2-3 दिन और फॉलो करना पड़ेगा और हमें भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। शादी ब्याह पार्टी बाद में होती रहेंगी हम बाद में फिर से एंजॉय करेंगे अपनी रूटीन लाइफ हम फिर से शुरू कर दें लेकिन अभी ये क्रूशियल समय है पूरी दुनिया के लिए तो आप लोगों से यही प्रार्थना है मेरी कि भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। दोस्त अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें नीचे अच्छे अच्छे कमेंट करें और मेरे से हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों राम राम जय हिंद जय भारत।